हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैंकर सड्डा यूट्यूब चैनल में। आज ये वीडियो थोड़ा सा पढ़ाई से हटके होगा और एक नॉलेजेबल वीडियो है फ्रेंड्स, आपके निजी जीवन में काम आएगा। का ये अपने थाना से मैं वीडियो बना रहा हूँ और कल ही एक मामला संज्ञान में आया था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के बीच मैं शेयर करूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वीडियो कौन तक देखिएगा, आपके निजी जीवन में बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो से, आप बचे रहेंगे। नहीं तो आप थोड़ा भी सतर्क नहीं रहते हैं तो कभी भी आप जेल से जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा। होता क्या है कि आजकल फ़ोन का ज़माना है फ्रेंड, डिजिटल ज़माना है, और आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा के वजह से सस्ता फ़ोन ले लेता है। हाँ, सस्ता फ़ोन ले लेता है, और होता क्या है कि वो पता नहीं चलता है कि फ़ोन किसका था नहीं था, और फ़ोन निकल जाता है चोरी का। बाकी आप अपना सिम डाल के यूज कर रहे हैं तो चल जाते हैं आप जेल, ठीक है। तो कोई भी कहीं भी आपको फ़ोन सेकेंड हैंड तो लेना ही नहीं है, क्योंकि सस्ता सस्ता फ़ोन आजकल कम दाम में हो जाता है, नया नया फ़ोन। इसीलिए आपको सेकेंड हैंड फ़ोन तो किसी से लेना ही नहीं है। आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, आपको सेकेंड हैंड फ़ोन या बाइक जो भी है, अगर ले भी रहे हैं तो ऑथराइज्ड पेपर लीजिए साथ में उनका, जो भी है अगर ले रहे हैं तो। और सबसे बेस्ट है कि आप लीजिए ही मत, किसी कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन आप मत लीजिए, बहुत ही आप सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज आप लेते हैं कभी भी आप जेल जा सकते हैं, ठीक ना। तो आप फ़ोन सस्ता देख कर 10,000 का फ़ोन 2,000 में मिल रहा है तो ले लेते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। आप फ़ोन लीजिए ही मत, सेकेंड हैंड आप फ़ोन किसी भी कीमत पर मत लीजिए। हुआ क्या था मामला कि सेकेंड हैंड फ़ोन किसी ने ख़रीद लिया, वो फ़ोन निकल गया चोरी का। अब वर्तमान में जो जिसके पास फ़ोन है वो अपना सिम डाल के चला रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, जाएंगे वही जेल। फिलहाल तो वही ना जाएंगे, बाकी सुनवाई तुनवाई जो होगा वो होते रहेगा अपना, हाँ वही जाना है। तो आप लोग मत लीजिए, यही जानकारी था फ्रेंड्स। कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन, या होता है कि डिजिटल ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कोई भी सस्ता मोबाइल देख कर नया मोबाइल देख कर ले लेता है तुरंत, कि सस्ता मिल ले लेते हैं, आप फंसिएगा फिर पछतावा होगा कि हम गलती कर दिए। ये जानकारी था फ्रेंड्स जो हम शेयर करना चाहते थे आप लोगों के बीच, ताकि ऐसा गलती ना हो। बहुत ज़्यादा केस देखने का मिलता है का, हाँ हमारे मुंशी जी हैं थाना के, इन्हीं के सहायता से हम सोचे कि वीडियो शूट करें और बनाएं, ताकि लोगों का सहायता हो सके, हेल्प मिल सके, ताकि जो गलती कर चुके हों तो हवा खा रहे हैं जेल का। चोरी का मोबाइल नहीं लेना, हाँ चोरी का मोबाइल नहीं लेना चाहिए। अब सेकेंड हैंड आ रहा है तो उसमें पता कहाँ से चलेगा कि चोरी का है कि क्या है। आप तो ले लीजिएगा कि सस्ता मिल गया, लेकिन वही होगा जब धराएंगे जेल जाइएगा, हाँ जेल जाइएगा, सर्विलांस में डाल देगा। आप कोई भी सिम डाल के यूज कीजिए, कोई नहीं है कि वो आप जो दिया था उसमें सिम वो निकाल कर फेंक दिए, आप ना डाल रहे हैं तो आप नहीं पकड़ाइएगा, आप पकड़ा जाइएगा। कोई भी सिम डाल के यूज कीजिए, बस आप मोबाइल ऑन होना चाहिए, कहीं भी रहिए भारत में चाहे जहीं भी, सर्विलांस में डलाएगा, पकड़ा जाइएगा। तो इस सब चीज़ से बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक ना। यही जानकारी था फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को ठीक लगा होगा, और भी इस वीडियो को शेयर करिए जनता में, ताकि सब कोई जागरूक हो और इन सब चीज़ों से बचे, आप अपने घर में सुरक्षित रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।